नमस्कार, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। समय था मोदी सरकार 2.0 के शपथ समारोह का। जैसे ही राष्ट्रपति महोदय आते हैं, एक व्यक्ति आता है और कहता है, अगर राष्ट्रपति महोदय की आज्ञा हो तो आगे की कार्रवाई यानी कि शपथ लेने की प्रक्रिया शुरू की जाए। सभी के मन में ये ख्याल आया होगा कि ये है कौन आखिर जी। पूरा वीडियो देखिए, हम आपको डिटेल में बताएंगे कि कौन था वो व्यक्ति। राष्ट्रपति भवन के विशाल प्रांगण में जब मोदी सरकार 2.0 के मंत्री एक एक करके शपथ ले रहे थे, तो क्रीम कलर का सूट पहने हुए एक शख्स बार बार मंत्रियों के नाम पुकार रहे थे, फिर मुस्कुराते हुए हर बार हौले से पीछे हट जा रहे थे। जब तक मंत्रियों की शपथ चलती रही, वो यही करते रहे। टीवी पर उन्हें पूरे देश ने देखा। कौन है ये शख्स? कई के जहन में ये सवाल उभरा होगा कि ये कौन है जो राष्ट्रपति के करीब खड़े होकर बार बार मंत्रियों के नाम बुला रहे हैं। ये कोई और नहीं बल्कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव हैं। इनका नाम है संजय कोठारी। वो 1978 बैच के IAS अफसर हैं। 2016 में रिटायर होने के एक साल बाद उनकी इस पद पर नियुक्ति हुई थी। संजय कोठारी हरियाणा कैडर के IAS अफसर थे जिन्होंने केंद्र और राज्य के कई पदों पर काम किया। वो उन अफसरों में रहे हैं जिन्होंने हरियाणा में काफी तारीफ पाई है। हरियाणा के जिस भी इलाके में उनकी नियुक्ति शुरू में SDM या फिर कलेक्टर के रूप में हुई थी, वहां आमतौर पर अवैध काम बंद हो जाया करते थे। उन्हें कड़क अफसर के रूप में जाना जाता था। वो जब IAS के कार्यकाल से रिटायर हुए, उस समय वो कार्मिक विभाग में सचिव थे। उन्हें लंबा प्रशासनिक अनुभव है। जिस समय उनकी नियुक्ति हुई, उनके नियुक्ति संबंधी कमेटी की अगुवाई प्रधानमंत्री कर रहे थे जिन्होंने उनकी नियुक्ति पर मुहर लगाई। तब उन्होंने मोदी को प्रभावित किया। कहा जाता है जब 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने IAS के अधिकारियों की मीटिंग बुलाई, उसमें संजय कोठारी ने उन्हें प्रभावित किया था। इसके कुछ समय बाद वह डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के सचिव बनाए गए थे। संजय कोठारी के समय में DOPT ने एक ऐसा काम किया था जो छात्रों के लिए, खासकर वो छात्र जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते थे, इनके लिए बहुत उपयोगी साबित हुआ था। वो ये था, गजटेड अधिकारियों द्वारा अटेस्टेशन की प्रक्रिया को खत्म कर सेल्फ अटेस्टेशन को शुरू करना। मतलब अब सभी अपने डॉक्यूमेंट्स की कॉपी को खुद ही अटेस्ट कर सकते थे, जिससे बड़ी संख्या में प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले और उसके बाद नियुक्ति पाने वाले प्रतियोगियों ने राहत की सांस ली, क्योंकि अब किसी गेस्टेड अधिकारी के पीछे भागने से राहत मिल गई। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।